हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं छत्तीसगढ़ की एक फेमस भाजी है जो कि है बुहार भाजी। वैसे तो मैं इसकी रेसिपी बहुत सारी डाली हुई हूँ, पर ये जो बुहार भाजी ये पत्ता वाला है फ्रेंड, क्योंकि ये ओनली लीव्स आप देख सकते हैं कोमल कोमल, और उसके पहले जो डाली थी वो उसका फल था। तो इसका सब्जी भी बहुत टेस्टी बनता है। और अभी लॉकडाउन है तो बस ये पत्ता वाला मुझे मिला है गांव से, तो मैं इसी का रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत टेस्टी लगता है और फल वाला जो रहता है वो और ज़्यादा टेस्टी रहता है। और इसे भी हम खट्टे में बनाते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी जो शायद आपने पहले देखा ही नहीं होगा, और बहुत सारी भाजियों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड हम ये जो भाजी है उसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इसका जो बड़ा बड़ा जो स्टीम है, डंडी है, उसे हम निकाल लेते हैं अलग, क्योंकि वो अच्छे से नहीं पकता है, इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं और भाजी को अच्छे से झड़ा लेते हैं। कभी भी भाजी अगर हम झड़ा कर ही साफ़ करते हैं, उसके बाद इसे हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसके बाद हम इसे धो लेंगे। टुकड़े करने से भाजी अच्छे से पकता है, इसलिए हम इसे चाकू से या फिर ये जो हसिया है हमारा ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ का, तो मैं इसी से ज़्यादा भाजी वगैरह मुझे इसी से काटना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहो तो चाकू वगैरह से भी काट सकते हैं, आपको जिसमें अच्छा लगे आप कट कर दीजिए। और उसके बाद हम इसे दो तीन पानी अच्छे से धो लेंगे। ये वाला भाजी फ्रेंड अगर आपको कभी भी मिलता है तो ज़रूर इसे आप ट्राई बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और इसका मैं तीन या चार रेसिपी तो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखे हैं तो बुहार भाजी वाला मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए, और भी बहुत सारी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैं दो प्याज कट कर ली हूँ और दो टमाटर ले ली हूँ, और ये भाजी को मैं धो ली हूँ यहाँ पर। तो इसे मैं आज बना रही हूँ खड़ा मसूर, तो ये मसूर भी बहुत अच्छा रहता है, इसमें फाइबर होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम इसे खड़ा मसूर में बनाते हैं। तो खड़ा मसूर को मैं भिगा ली थी, उसके बाद यहाँ पर भाजी जो धो के रखी है उसे डाल देती हूँ। और खड़ा मसूर में वैसे एक कप पानी था, तो बस हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाजी में तो पानी रहता ही है। और यहाँ पर हम नमक डाल देंगे, चाहो तो यहाँ पर हल्दी भी आप डाल सकते हो। और बस कुकर का सीटी लगा के, ढक्कन लगा के उसे दो सीटी आने तक पकाइए। तो देखिए दो सीटी आने के बाद मेरा भाजी जो है पक गया है। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर मैं कढ़ाई या फिर मैं मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ, तो दो टेबल स्पून तेल गरम कर लेते हैं। और अगर आप कुकर में नहीं उबाल रहे फ्रेंड तो इसे कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं, जिसमें भी आपको उबालना अच्छा लगे। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं लहसुन मिर्ची डाल दी हूँ, और ये जो है मेरा दही है, तो दही में यहाँ पर दो चम्मच बेसन फेंट ली थी मैं। और इसके बाद ये प्याज जो हमारा कटा हुआ है उसे भी हम डाल देते हैं। तो लहसुन मिर्ची और प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा, तब तक दही अगर आप तैयार नहीं किए तो उसी बीच आप दही को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, कलर अच्छा है इसलिए। तो दही में दो चम्मच बेसन, अगर आप मही में बना रहे हो बटर मिल्क में तो वहाँ पर भी आप दो चम्मच बेसन फेंट लीजिए और मही को थोड़ा सा पतला कर लीजिए। और यहाँ पर करीब एक कप आप दही या मही यूज़ कर सकते हैं, जितना खट्टा अच्छा लगे उस टाइप से, और खट्टा दही या खट्टा मही ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उसका देखिए टमाटर मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, टमाटर का सॉफ्ट होने तक हमें पकाना होता है। अगर आप भाजी उबालने के टाइम हल्दी डाले हैं तो यहाँ पर हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। और देख सकते हैं यहाँ पर जो दही या मही जो आप बेसन दो चम्मच बेसन डाल के जो तैयार करके रखे थे उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं जब हमारा टमाटर प्याज अच्छे से पक जाता है। तब देख सकते हैं कलर भी कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी और एकदम लजीज कलर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इसे बस बॉईल होते तक हमें पकाना है। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तब हम जो भाजी उबाल के रखे हैं उसे हम यहाँ पर डाल देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये बॉईल होना शुरू हो गया है, अब यहाँ पर हम भाजी जो उबाल के रखे थे उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। और इसे बस 5-6 मिनट हम पकाते हैं, जब तक कि ये जो इसका जो ग्रेवी टाइप से जो पानी जो दिख रहा है वो सूखा ना हो जाए। तो क्योंकि भाजी जो है सूखे में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा पानी जैसे नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा सा हम इसे सूखा कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो भाजी में अच्छे से टेस्ट आ जाएगा, जो दही का, टमाटर का, प्याज का, सभी का टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। इसके अलग अलग तरह से रेसिपी मैं डाली हुई हूँ, अगर आपको मसूर के साथ अच्छा लगता है तो मसूर के साथ बनाइए। मैं एक चना दाल के साथ भी रेसिपी डाली हूँ, कभी मैं टमाटर के साथ डाली हूँ, बिना टमाटर का डाली हूँ, इमली के साथ डाली हूँ, और आम के साथ भी डाली हूँ। आप सभी रेसिपी चेक कर सकते हैं बुहार भाजी रेसिपी में जाके, बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ का टेस्टी भाजी है। और ये जो होता है कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फाइबर होता है और जितना भी भाजी होता है उसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो ज़रूर आप भाजी को सेवन कीजिए, और छत्तीसगढ़ में तो 40-45 प्रकार का भाजी मिलता है फ्रेंड। तो आप सभी भाजी अगर नहीं जानते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट है छत्तीसगढ़ की भाजी, उसे आप चेक कर लीजिए।
तो आपको बहुत सारा भाजी मिल जाएगा। और देख सकते हैं फ्रेंड, ये पानी थोड़ा सा सूखना शुरू हो रहा है। और ये जो है मेरा मिट्टी का बर्तन है, तो मैं थोड़ा पहले ही गैस बंद कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में बाद में सूख जाता है इसलिए। तो ये देख सकते हैं प्लेट में इसे ले ली हूँ सर्व करने के लिए। तो इसे आप गर्मा गर्म रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड, हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।